दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, साल 2023 खत्म होने को है और इसी के साथ 5 राज्यों के चुनाव भी खत्म हो गए हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही एक शब्द सबके जहन में घूमने लगता है, एग्जिट पोल। क्या आपने कभी सोचा है क्या होता है एग्जिट पोल, कैसे काम करता है और कैसे पार्टियों की हार जीत का अनुमान लगाता है? चलिए आपको एग्जिट पोल के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल एक तरह का सर्वे होता है जो चुनाव वाले दिन जाकर मतदाताओं के बीच किया जाता है। एग्जिट पोल का मतलब होता है चुनाव के बाद मतदाताओं से वोटिंग पैटर्न के बारे में जानकारी लेकर उसे प्रकाशित करना। एग्जिट पोल वाली एजेंसियां मतदान के दिन मतदाताओं से जाकर कई तरह के सवाल पूछती है और उस आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले एग्जिट पोल की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 1967 में अमेरिका के पॉलिटिकल रिसर्चर वॉरेन मिस्टोफेस्की ने केंटकी राज्य के गवर्नर इलेक्शन के दौरान की थी। इसके बाद 1970 के दशक में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होने लगा और धीरे धीरे अमेरिका के बाद सभी देशों ने इसकी शुरुआत करनी शुरू कर दी। अमेरिका के बाद बात करते हैं भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई थी। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1996 में की गई थी। इसकी शुरुआत IIPU यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने की थी। दूरदर्शन चैनल ने CSDS के साथ मिलकर पहली बार एग्जिट पोल जारी किए थे। इसके बाद धीरे धीरे सभी न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल जारी करना शुरू कर दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जिट पोल का डेटा तैयार करते वक्त 4 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे सर्वे करते समय पुराने रिजल्ट भी देखने चाहिए, सर्वे करते समय वोटर्स पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, क्योंकि अगर वोटर पर किसी तरह का कोई दबाव होता है तो इससे सर्वे पर असर पड़ता है। सर्वे के दौरान भारत के मतदाताओं की विविधता और सामाजिक संस्कृति और अस्थिरता पर भी ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही सर्वे का सैंपल देने वाले की सत्यनिष्ठा परखने की जरूरत है, जिससे सर्वे में किसी तरह की कोई बेईमानी होने की उम्मीद ना हो। आखिरी में बात करते हैं कैसे होते हैं एग्जिट पोल के सर्वे। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज चुनाव होने से पहले कुछ सवाल तैयार करती है और उसके बाद जिस दिन चुनाव होने वाले होते हैं उस दिन मतदाताओं से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और किसे वोट देंगे। ये पूरी रिसर्च करने के बाद टीम एक आंकड़ा तैयार करती है और आंकड़े को तैयार करने के बाद न्यूज चैनल पर जारी कर दिया जाता है। कल 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। कल पता चल जाएगा कि जितने भी एग्जिट पोल जारी किए गए हैं वो कितने सही है और कितने नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।